हेलो ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल विनीता जी के तरीके। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज हम हंकड़ बना रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हम उसको मैरिनेड्स, सैलड, सैंडविचेस और कबाब में भी हम उसको डाल के यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हंकड़ होता है वो बाज़ार में इजीली मिलता नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ ये शेयर किया जाए कि हंकड़ कैसे बना सकते हैं घर में। तो चलिए मम्मी से पूछते हैं, हंकड़ हम कैसे बना सकते हैं। नमस्कार। आज हम हंकड़ बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत आसानी से घर में बन सकता है। आपको इसके लिए एक ऐसा पतला कपड़ा लेना है, मलमल का जो कपड़ा होता है, जिसमें दही पनीर आप कुछ भी छान सकते हैं। इसके नीचे हमने बर्तन रख एक रखा बर्तन है। रख लिया है हमने इसके नीचे। ये या तो आप घर की गाड़ी दही जमी हुई है तो वो ले लीजिए। अगर घर में आपकी गाड़ी दही नहीं है तो आप बाजार से ये डिब्बे मिलता है दही का, वो ले लीजिए आप। जितना भी देखिए, जितना भी आपको हंकड़ बनाना है आप उस हिसाब से दही ले सकते हैं। ये हमारा एक डिब्बा है दही का, तो ये मैं इसमें डाल दूंगी। इसका आपको दही का सारा पानी निकाल लेना है, हमें ज्यादा ये दबाना नहीं है दही को, हल्का बस इतना कि जिससे इसका पानी निकलता रहे। सा ही हमें बस पानी इसका निकालना है और ज्यादा प्रेस नहीं करना। और सिर्फ हम इसका पानी 1 मिनट के लिए निकालेंगे, जितना इजीली ये निकल सकता है। आपको ज्यादा बनाना है हंकर तो आप 2 डिब्बे ले सकते हैं दही के। अब ऐसे इसको आपको हम ऐसे इकट्ठा कर इकट्ठा लेंगे, करके, क्योंकि घर की दही इतनी गाढ़ी नहीं जम पाती, इसलिए इसको हमने बाजार ऊपर की। से हम हल्का हल्का सा हल्का। प्रेस करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे इसका सारा पानी निचुड़ जाए। इसकी हम एक पोटली बना देते हैं ऐसे अलबेला दे के। अब बस आपको ध्यान रखना दही ना निकले इसकी। और ये पानी जो निकलेगा इसको आपको वेस्ट नहीं करना। ये तो अभी हम ऐसे ही रखेंगे। इस पानी को आप दाल में, सब्जी में, आटे में, कढ़ी बनाते हो उसमें डाल लीजिए। कढ़ी में जो आप ग्रेवी बनाते हो, जैसे आप पनीर की सब्जियों के कोफ्ते हो गए, ये देखिए इसका कितना पानी निकल रहा है। तो ये इजली बाजार में नहीं मिलता, तो आज हम इसे घर में बना रहे थे, तो हमने सोचा इसकी आपको इसका तरीका बताता है कि हंकट घर में कैसे बनता देखिए है। अब 1 मिनट के आसपास हो चुके हैं। अभी निकालेंगे इसका पानी, अभी देखिए निकल रहा है। हमने बहुत हल्का सा प्रेस करना है, आपको ज़्यादा प्रेस नहीं करना, ये तो वो दही निकलनी शुरू। देखिए अब अपने आप रुक गया पानी, जितना इसका एक्स्ट्रा पानी था सब निकल गया। अब इसके लिए आपको एक हम छन्नी लेनी है। छन्नी इस बर्तन के ऊपर रख देंगे और दही को ऐसे ही अलबेटा देके इसके ऊपर हम यूं रख के ऐसे छोड़ रख देंगे देंगे। जिससे इसका जितना एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें निकलता ये रहे। हम अब रखेंगे फ्रिज में 5 से 6 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप 7 घंटे के लिए भी इसको फ्रिज में रख सकते हैं। आपको फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जो दही का जो और बचा हुआ पानी है वो उसका निकल जाए, थोड़ी हमारी दही सेट हो बिल्कुल जाए। सेट हो जाएगी। और आपको ज़्यादा बनाना है तो आप इस हिसाब से ज़्यादा दही दे सकते हैं। तो हम इसको 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे। 6 घंटे हो चुके हैं, हमने इसको जो हमने हंकड़ बनाया है इसको हमने फ्रिज से निकाल लिया था 6 घंटे बाद। और देखिए, देखिए कितना इसने पानी छोड़ दिया। देखिए और जबकि बाजार की बिल्कुल गाड़ी नहीं थी, ये ये देखिए देखिए कितना ये अच्छा हंकड़ हमारा ये हंकड़ तैयार बन होके बन आया है। चुका ये है। देखिए देखिए इसको हम ऐसे ही झुका तो इसको ये इसमें देखिए निकाल देंगे। कितना अच्छा बनाइए। देखिए कितना अच्छा हमारा ये हंकड़ तैयार हो चुका है। देखिए अगर आप ज़्यादा दही ले रहे हैं, जैसे 1 किलो आपने दही लिया, तो आपको 7 7 घंटे आपको उसको फ्रिज में रखना है। बस हमें पानी निकालना है, इसलिए हम इसको फ्रिज में रखते हैं इतनी देर, और जिससे ये सेट हो जाए। देखिए तो ये थी आज की वीडियो कि हम घर पे हंकड़ कैसे बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक तरह से हमें हेल्प करती है अगर हम मैरिनेट करते हैं या सैंडविच सैलड जो भी हम कुछ भी बनाते हैं बहुत उसमें। यूजफुल है ये, आपको कई चीज़ों में ये यूज़ होगा, तो आप ज़रूरी से बनाइए और हमें बताइए आपका हंकर कैसे बना। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। बाय।